बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसके अंदर मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, फैमिली रीयूनियन वीज़ा और उसके साथ लीगलाइजेशन की और वर्क परमिट के वीज़ा की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात की जाएगी। और एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, आज उन्होंने कॉल की और आलमोस्ट उनकी कॉल 40 मिनट तक उन्होंने ऑन होल्ड रखी और एट दैन डिटेल लेकर जब बारी आई ईमेल आईडी की तो उन्होंने जो है फ़ोन ही काट दिया, जो कि बिल्कुल भी एथिकली चीज़ें अच्छी नहीं है। और हम सोशल मीडिया पे आए हैं और हम इस चीज़ को थोड़ा सा उजागर करेंगे ताकि कोई ना कोई जो इटली का एम्बेसी में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं या जो आंटी या जो अंकल हमारी कॉल्स वगैरह उठाते हैं उन तक ही वीडियो चले जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस जो है वहाँ तक जाती हैं। ठीक हो गया, तो इस वीडियो को आपने इतना फैलाना है कि वो जो काल वो बाजी या वो भाई साहब जो काल उठाते हैं ना उन तक पहुँच जाए कि यार आपकी इस हरकत की वजह से कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है या जहनी तौर पर जो है लोग परेशान होते हैं। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करो, इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है ना इतनी सी वीडियो टिकटॉक पे स्पेशली ताकि इटली के अमले तक जो है वो पहुंच जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हमारा एक क्लाइंट था जो के सब्सक्राइबर भी थे जो कि यूके से बैठे हुए कॉल कर रहे, तो फर्स्ट कॉल कहते वेरी फर्स्ट कॉल ही उसकी कॉन्टेक्ट होगी। तो वहाँ पर जो लेडीज़ बैठी थी वो इनसे बातचीत कर रही थी, फिर उन्होंने ऑन होल्डिंग में लगा दिया। आलमोस्ट मेरे पास प्रूफ भी है, मैं यहाँ पर शो भी करूँगा। आलमोस्ट उन्होंने 38 के 35 मिनट तक ऑन होल्डिंग रख दिया और एट द एंड कर दिया। और जो हमारी सिस्टर है उनके तकरीबन 5 पाउंड भी ज़ाया होगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1500-1600 रुपये भी बनते हैं। बात पैसों की नहीं है, लेकिन ये एथिकली ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैसी ने जो चीज़ आपको जिस चीज़ के लिए मैसी ने आपको हायर किया हुआ है तो अच्छे तरीके से आपको डील करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंस आई हैं कि इस वीक में वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेल बैठा हुआ था तो उसने बड़ी बदतमीज़ी लोगों के साथ की, अच्छे तरीके से लेडीज़ के साथ नहीं बोला। जिस जिस लेडीज़ ने कॉल किया तो अच्छे तरीके से उसने बोला, तो काइंडली यहाँ पर भी उनको नज़र दौड़ानी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से सेंसेबल तरीके से अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ बात करनी चाहिए। नंबर थ्री बात, वर्क परमिट की जो अपॉइंटमेंट हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 19 दिसंबर 2023 की अपॉइंटमेंट्स वर्क परमिट वालों के लिए आ रही हैं। इट्स मीन कि अब आज से आप जो वर्क परमिट्स के लिए अप्लाई करोगे दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का स्टार्टिंग आना शुरू हो जाएगी। मीनवाइल जो अपॉइंटमेंट्स हैं फैमिली लीगलाइजेशन की, उसकी अपडेट ये है कि ये फरवरी के महीने की जो है वो अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। और आज कल जो भी आपकी कॉल वगैरह कनेक्ट हुई है तो आपको अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन की जो है वो फरवरी के महीने की आएंगी। तो ये सिनेरियो, ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि जो दिल को दुखाने वाली चीज़ थी वो मैंने बीच में मेंशन की है कि आप यार कॉल भी पिक कर लेते हो उसके बाद जब आप बात ना करो ना तो जो हमारे व्यूवर हैं वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं बड़े मैं कहता हूँ दुखी अंदाज से, फिर वो बातें बताते हैं और वाकई दिल से ही दुख होता है कि एक तो 5 अक्टूबर के बाद जाकर किसी की कॉल कनेक्ट होती है और उसके बाद आप ऊपर से ये हरकत कर दो तो वो वैसे ही बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। उनकी फैमिली है यहाँ पर, उनकी फैमिली ने जाना होता है, उनका फ्यूचर इससे कॉन्टैक्ट होता है, तो कम अज़ कम एहसास होना चाहिए। होपफुली वीडियो वैल्यूएबल है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।